तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो होने वाली है एक सीरियस टॉपिक के ऊपर। प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देख लेना। 99% लोगों का क्वेश्चन है कि सर क्या ऑनलाइन गिटार सीखा जा सकता है। 100% लोगों का यही क्वेश्चन है। ये कौन क्वेश्चन करते हैं जो कि ऑनलाइन सीखना चाहते हैं? जो ऑफलाइन सीख रहे हैं उनका तो एक क्वेश्चन ही नहीं होगा, ठीक है। अब ऑनलाइन गिटार सीखा जा सकता है भाई, यूट्यूब पे किसी पे भी देख लो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लो भाई, सीरीज वाइज आपको वीडियो नहीं मिलेगी। 10 वीडियो मिल जाएंगी, 20 वीडियो मिल जाएंगी, उसके बाद कोई लीडिंग सिखा रहा है, कोई कोड निकालना सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है। आप यूट्यूब पे, मैं अभी आपको बताऊंगा कि सीखा जा सकता है नहीं, अभी मैं आपको करेक्ट आंसर नहीं दूंगा क्योंकि इसके पीछे की स्टोरी है। क्योंकि मैं भी पहले ऑनलाइन सीख रहा था एंड देन फिर मैं ऑफलाइन पे गया। अब ये नहीं है कि ऑनलाइन सीखा ही नहीं जा सकता, सीखा जा सकता है, ऑफलाइन भी सीखा जा सकता है, ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे कमेंट भर तो नहीं जाते, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक ना एक कमेंट यही आता है कि सर क्या ऑनलाइन गिटार सीखा जा सकता है। अब मेरा चैनल उठा के देख लो, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, मैं किसी और की नहीं बता रहा। मैंने 10 लेसन अपलोड करे थे, उसके बाद मैं कभी बारकोड का लेसन डाल रहा हूँ, कभी अपनी लीडिंग का लेसन डाल रहा हूँ, कभी फिंगर पिकिंग का लेसन डाल रहा हूँ, बट ये बिगिनिंग लेवल पे नहीं है लेसन। अगर आप, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे बिगिनर्स कहते हैं मेरे से कि सर मैं बस गिटार परचेस करने के लिए पैसे हैं बस मेरे पास ऑफलाइन सीखने के लिए, फीस देने के लिए पैसे नहीं है। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आप ऑफलाइन भी सीख सकते हो, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो ऑनलाइन उससे भी ज़्यादा अच्छा सीख सकते हो। क्योंकि ऑनलाइन में एक ऐसी चीज़ है, आप 36 चैनल देखो, ठीक है, आपको वहाँ भी एक न्यू चीज़ मिलेगी देखने को, एंड एक जब दूसरा चैनल देखोगे एक वहाँ पे न्यू चीज़ मिलेगी देखने को, बट इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या ये मेरे लेवल की हैं? अब आपको ये देखना है, आपको एक नोटबुक बनानी है सबसे पहले, अगर आप सीरियसली कुछ करना चाहते हो लाइफ में, तो बहुत तगड़ा वाला करियर है इसमें भी, अगर सीरियसली लेना चाहते हो तो। सबसे पहले अगर आप गिटार परचेस करते हो, ठीक है, आपने 5-7 हज़ार का, 10 हज़ार का, 2000-3 हज़ार का गिटार परचेस कर लिया, अब आपको खुद कमी निकालनी पड़ेगी अपने में से, ठीक है। ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में ये होता है कि आपके पीछे ना प्रेशर होता है। प्रेशर कहने का क्या मतलब है कि ये लेसन आज की क्लास में जो मैंने आपको बताया, जैसे कि मैं सर हूँ, ठीक है, मैंने आज की क्लास में जो भी आपको बताया वो कल मुझे चाहिए। अब आपके पीछे प्रेशर है कि यार नहीं दिया तो सर मारेंगे या पीटेंगे, ठीक है। तो यही होता है ऑफलाइन क्लास में कि यार आगे कैसे बढ़ूंगा, फिर मैं, मतलब कि सर कहेंगे तूने ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा, मतलब कि आपको लेक्चर सुनने को, जैसे स्कूल में लेक्चर सुनने को मिलते हैं ना, हम होमवर्क करके नहीं जाते थे, हम किस वजह से करते थे, डर के हमारे कभी पिटाई ना हो जाए, तो वो प्रेशर रहता हमारे पीछे से ऑफलाइन क्लास में, तब आप उसके अंदर आगे निकल सकते हो, मतलब निकलते हो उसकी चीज़ के अंदर, ठीक है। ऑनलाइन में क्या है कि मैंने आपको कोई लेसन बता दिया, मुझे नहीं पता आपने उस वीडियो को पूरा भी देखा होगा, एंड स्किप, बहुत कॉमन चीज़ है यार ये वाली जो लोग नहीं समझ पाते। मेरी जो 10 मिनट की वीडियो है ना, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी होती है, पता है। मैंने आपके लिए एक लेसन बनाया था, बार कोड किस तरीके से प्ले करें, ये बार कोड है किस तरीके से प्ले करें, मैंने 10 मिनट की वीडियो बना दी, मैंने बार कोड के ऊपर भी वीडियो बना रखी, मैंने सब चीज के ऊपर वीडियो बना रखी, मैंने बार कोड के ऊपर वीडियो बना दी। अब ऑफलाइन में क्या होगा कि जो सामने वाला बंदा है वो आपको बताएगा कि इस तरीके से, एक घंटा वहीं आपको बैठे रहना पड़ेगा हर हाल में, आपको कहीं जाना भी पड़ेगा, नहीं जाने देंगे भाई वो, ठीक है। ऑफलाइन में ये होता है। ऑनलाइन में होता है कि आपके अंदर डेडिकेशन कितना है, आप कितना पेशेंस है आपके अंदर, कि कितना ठहर सकते हो आप। अभी तक आपने वीडियो छोड़ भी दी होगी, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दी होगी, क्या बकवास कर रहा है, और फिर लिखेंगे यूट्यूब पे क्या ऑनलाइन गिटार सीखा जा सकता है। वहाँ पे जबरदस्ती आपको बैठना पड़ेगा बार कोड के लिए, मैंने आपको बता दी बार कोड किस तरीके से लगेगा, आप कहोगे चल ठीक है ना, अगले दिन प्रैक्टिस कर लूंगा, ठीक है वो लेसन देखते हैं, ऐसे नहीं सीखा जा सकता। आपको क्या करना है कि पहले गिटार
परचेज करना है वो तो भाई करना ही पड़ेगा, उसके पीछे तो कुछ, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, गिटार परचेस कर लिए, अभी पहले अपनी नोटबुक बनाओ और उसमें लिखो कि पहला लेसन क्या है। पहला लेसन ये है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बिगिनिंग मतलब बिगिनर्स के लिए गिटार लेसन, ये पहले से लेके 10वें तक मैंने अपलोड कर रखे। उसमें क्या है कि आपको गिटार का इस तरीके से पकड़ना है, एंड जो जो आपको दिक्कत आ रही है उसके नोट्स बनाने हैं आपको। अगर इन चीज़ों को पकड़ के चलोगे देन ऑनलाइन गिटार सीखा जा सकता है। मैंने भी सीखा है, मैं ये नहीं है कि मैं सब कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास से सीख गया था, नहीं, मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ऑनलाइन वो सीखा जो कि ऑफलाइन में है ही नहीं, सिखा ही नहीं सकते भाई, मैं कह रहा हूँ मैं सिखा ही नहीं सकते, ऑनलाइन में बहुत कुछ चीज़ें। अब आपने गिटार पकड़ लिया, अब आप क्या करना चाह रहे हो, आप स्ट्रमिंग पैटर्न करना चाह रहे हो, मैं बस खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मत ये नहीं है कि बिगिनिंग लेवल पे मैं बता रहा हूँ, बस खाली एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मुझे स्ट्रमिंग पैटर्न करनी है, ठीक है, मुझे स्ट्रमिंग करनी है, ये मैंने स्ट्रमिंग कर दी। अब आपको क्या लग रहा होगा कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यार हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन स्ट्रमिंग पैटर्न गिटार लेसन, सर्च मार दो। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लग रही है ना, कुछ भी दिक्कत लग रही है कि यार उसकी स्ट्रमिंग पैटर्न इतनी अच्छी प्ले हो रही है, सपोज, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, ये मत समझना कि यार पहला लेसन क्या है दूसरा क्या है ये नहीं बता रहे आप, ये नहीं बताऊंगा मैं, बस खाली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल से समझ सकते हो तो समझ जाओ। मैंने स्ट्रमिंग करी, अब आपको इसमें क्या कमी लग रही, आप भी प्ले करते होगे और मैं भी प्ले कर रहा हूँ, अब आपको क्या कमी लग रही है कि यार आपके में ये कमी है। अब देखिए, अब आप क्या होगे, सर मेरे से नहीं होते। अब वही वही चीज़ बोली है भाई मैंने, ऑनलाइन गिटार सीखा जा सकता है, जो चीज़ दिख रही है ना, जो चीज़ दिख रही है उसको नोट करो, नोटबुक में नोट करो और वहाँ पे लिखो कि यार ये सॉल्व करना है मुझे, हर हाल में करना है, देन तब ऑनलाइन गिटार सीख सकते हो आप, अदरवाइज नहीं सीख पाओगे। ऑफलाइन में क्या होता है, चल प्रेशर होता है कि यार ये मुझे क्लियर चाहिए, ना मेरे पास सीखने आ रहा हूँ, अब मैं कहूँगा मुझे क्लियर चाहिए, अब नहीं करके लाओगे देन मैं फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा। ऑनलाइन में क्या है, मैंने सिखा, मैंने बता दिया कि हाँ भाई ये स्ट्रमिंग पैटर्न है, ऐसे इंक्रीज होगी स्पीड। अब आप क्या बोलोगे, सर आप मुझे नहीं पता भाई आप क्या कर रहे हो, शाम मेरी वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं पता, पेशेंस कितना है, प्रैक्टिस कितनी करते हो, सारा खेल वही है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे बार कोड हो गए, फिंगर स्टाइल हो गया, स्टेप, अब आते गाने हमारी स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चले, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का, सर हम स्टेप बाय स्टेप कैसे चलें, मतलब कि चलिए हमें पहला लेसन क्या, गिटार पर कैसे तरीके से पकड़ते हैं, हाउ टू होल्ड गिटार, ठीक है, हमने गिटार का देख लिया, अब हमें हैंड की हैंड देखना कि हमारी राइट पोजिशन क्या है, अब हमें पिक पकड़नी है कि राइट पोजिशन क्या है, अब हमें इस सारे का मा पा नहीं सा बजाने की राइट पोजिशन क्या है। चले चलिए, मैंने मैंने सारे गामा पा धा नि सा बजा दिया, अब मुझे हैप्पी बर्थडे बनाना है, अब मैंने हैप्पी बर्थडे बजा दिया, इसके बाद क्या है, स्ट्रमिंग है, कोड है, ओपन कोड है, बार कोड है, ये आते स्टेप बाय स्टेप के अंदर क्या क्या करना आपको। अब ये नहीं कि आपने गिटार पकड़ा, बहुत सारे लोग हैं भाई, भरे पड़े हैं, इतने भरे पड़े हैं ना, थोक के भाव, ठीक है, जैसे होता है ना कि सेल लग रही है, सेल में उठाओ चीज़ है, इस तरीके से लोग भरे पड़े हैं कि क्या बता रहा था यार, तो मैं तो भूल ही गया। हाँ, कि लोग पता है क्या करते हैं कि जब भी उन्होंने गिटार खरीदा, बस उनको पता है क्या चाहिए, बस कि हमारा राइट हैंड चलना चाहिए एंड लेफ्ट हैंड, बस मुझे ना ये करना है भाई, लेसन है ही नहीं ये फर्स्ट लेसन है ही नहीं, कहाँ से क्या करोगे, ये पहला लेसन है ही नहीं यार, तुम्हारी फिंगर स्टिचिंग की एक्सरसाइज हुई नहीं है, ये फिंगर स्टिचिंग की एक्सरसाइज है, ये आपके यहाँ पे फिंगर फ्रेट बोर्ड पे खुली नहीं है, आप स्ट्रमिंग पैटर्न कहाँ से कर लोगे, स्ट्रमिंग पैटर्न में भी, स्ट्रमिंग पैटर्न कह रहा हूँ, आप कोड कहाँ से लगा लोगे, कोड क्या किस तरीके से बनता है आपको पता है, ये थ्योरी जानो,
ऑनलाइन गिटार सीखा जा सकता है, लेकिन आपके अंदर पेशेंस कितना है और आप अपनी प्रॉब्लम को एक नोटबुक पे किस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है? अब कोड किस तरीके से आपके माइंड में कभी क्वेश्चन आया, अगर आप गिटार प्ले कर रहे हो तो आपके माइंड में कभी क्वेश्चन आया यार ये कोड है, ये कोड किस तरीके से बना? नोटबुक पे लिखो पहले तो थ्योरी, ये थ्योरी है कि ये यार ये क्यों बना, ये किस फॉर्मूले से बना है सी कोड, ये एफ कोड बना है, ये जी कोड बना है, ये एफ बना है, ये जी शार्प बना है, ये ए मेजर बना है, ये माइनर बना है, ये किस फॉर्मूले से बना है ए माइनर कोड बार कोड, इसको लिखो और इसको क्लियर करो अपने टॉपिक को, देन बहुत आगे जा सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हो। ऑफलाइन में प्रेशर होता है बंदा इसलिए सीख जाता है, ऑनलाइन में प्रेशर नहीं होता इसलिए नहीं सीख पाता। 10 मिनट की वीडियो आप 2 मिनट भी प्रैक्टिस नहीं करते होगे, बस यही है कि और लोग ऑनलाइन गिटार नहीं सीख पाते। बस आज की वीडियो में इतना ज़्यादा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लेना ताकि मेरी वीडियो चैनल आपको मिलता रहे। बस आज की वीडियो में इतना ज़्यादा, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।